वैदिक वांग्मय में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सूक्त की होती है, सबसे अधिक कोई सूक्त विवादास्पद करार दे दिया गया है, तो वह है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त। इसमें आए यम और यमी के परस्पर संवाद आज भी सही अर्थ की मांग करते हैं। इन संवादों पर आज तक विद्वान एकमत नहीं। विद्वानों का कहना है कि अब तक यम और यमक ये शब्दों तक की सही व्याख्या नहीं हो सकी है। सामान्य अर्थ में यम और यमी के बारे में यही कहा जाता है कि दोनों भाई बहन हैं, दोनों ही विवस्वान की संतानें हैं, यानी पुत्र और पुत्री। ऐसे में उनका परस्पर रिश्ता भाई और बहन का ही होता है। लेकिन क्या करें कि भाई बहन का ये रिश्ता तो हमें भ्रमित कर देता है। सूक्त के मुताबिक एक बार यम और यमी जब एकांत में होते हैं तो उनके बीच कुछ ही वाक्यों में एक संवाद होता है। इस संवाद का अभिप्राय ये सामने आता है कि यमी अपने भाई यम से संबंध बनाना चाहती है। अपनी इस इच्छा को बेझिझक व्यक्त भी करती है वह। यमी का यह प्रस्ताव यम को हैरत में डाल देता है। वह इस प्रस्ताव पर यमी को धिक्कारते हैं, निंदा करते हैं और फिर समझाते हैं कि यह तो पाप कर्म है। हम दोनों ही एक माँ के पेट से उत्पन्न है, इसलिए यह रिश्ता कदापि संभव नहीं होने को। तो यह एक संक्षिप्त सा संवाद है, लेकिन विषय वस्तु के कारण विवादास्पद माना गया है इसे। विस्तार में कथा यह है कि विवस्वान ने विश्वकर्मा की पुत्री संजना से विवाह किया था। संजना द्वारा विवस्वान की पहली संतान थी वैवस्वत मनु। बाद में संजना ने दो बच्चों यम और यमी को जन्म दिया। इस तरह से यम और यमी एक ही माँ के पेट से जन्मी संतानें हैं, इसलिए उनका आपसी रिश्ता भाई बहन का है। सूक्त में यम और यमी के जो संवाद है उस पर एक नजर डालें। यमी कहती है यम से कि यह द्वीप बहुत बड़ा है और एकांत भी है यहाँ। मैं वासना से पीड़ित हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ सहवास करना चाहती हूँ। मेरे मन में यह भी है कि मैं तुम्हारे साथ रमण करूं और संतान उत्पत्ति करूं। यम का जवाब है हम दोनों सहोदरी हैं, हमारा मिलन नहीं हो सकता और ना ही हम संतान उत्पत्ति ही कर सकते हैं। भाई और बहन के ऐसे मिलन की अनुमति देवताओं को नहीं है। जब यमी अपने प्रयास में असफल रहती है और यम को लुभा नहीं पाती तो यह कहकर अपने भाई की निंदा करती है कि उसमें पौरुष नहीं, वह शक्तिहीन है, इसीलिए उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहा है। लेकिन यम अपनी सोच पर दृढ़ रहते हैं और कहते हैं कि यमी को ऐसा प्रस्ताव किसी अन्य पुरुष के समक्ष रखना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि यम और यमी के भाई बहन होने का कई विद्वानों ने खंडन किया है। शत ब्राह्मण में अग्नि और पृथ्वी को यम यमी कहा है। इसमें तर्क है कि यम यमी का परस्पर संबंध पति पत्नी हो सकता है, भाई बहन कदापि नहीं। जैसे गोप की पत्नी गोपी और बहन गोपा कहलाएगी, उसी तरह यम और यमी पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन बिल्कुल नहीं। सकाश में महर्षि दयानंद की भी यही मान्यता है कि यम और यमी पति पत्नी है, ना कि भाई बहन। यह गड़बड़ी भावार्थ लगाने की वजह से हुई। यहाँ तक कि पश्चिमी विद्वान मैक्स मूलर तक ने इस संबंध में कहा कि यम और यमी के भाई बहन होने का वेद में कोई प्रमाण नहीं। सूक्त के अनुवाद गलत किए जाने की वजह से यह समस्या पैदा हुई है। मैक्स मूलर के अनुसार यम दिन और यमी रात है, ना कि पुरुष और स्त्री। सिर्फ लौकिक ज्ञान देने के लिए प्रतीकात्मक रूप से इनका सहारा लिया गया था। इन्हीं दोनों के बहाने यह संसर्ग विषयक वार्तालाप है। एक और पश्चिमी विचारक रॉथ विल्सन का मत भी मैक्स मूलर से पूरी तरह मिलता है। कुल मिलाकर यही बात समझ में आती है कि यम और यमी के संवाद को भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, ना कि पाश्चात्य दृष्टिकोण से। हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ज्यादा सही तरीके से समझ सकते हैं, यानी यम की पत्नी यमी। यम यमी मानवीय सृष्टि के स्त्री या पुरुष नहीं, बल्कि दिन और रात है। नियोग प्रकरण को समझाने के लिए यम यमी को पति पत्नी का रूप दिया गया है। सच यह है कि इस सूप में व्यंजनात्मक वर्णन किया गया है। विवादास्पद होने की वजह भी यही है।